जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, एक ऐसा विचार जो हमें न जाने कितनी दूर तक, कितने वक्त तक सोचने पर मजबूर कर देता है, और हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा करते हैं। अंत में कुछ मिलना तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचना मतलब नेगेटिविटी। आदमी अच्छा नहीं सोच सकता ज़्यादा देर तक। ये एक बहुत बड़ा आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। इसलिए अच्छा सोचें, ज़्यादा सोचें, क्योंकि जब अच्छा सोचेंगे तो आप ज़्यादा सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके चारों ओर जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हम उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस पर अपने विचार रखते हैं। उस पर ही हमारी विचारधारा में, हमारे अंदर उस चीज़ों को हम देखते हैं। पहली बात है, ज़्यादा सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, ज़्यादा सोचे। दूसरी बात है कि मन में एक विचार ऐसा चलता है जो बार बार दूर तक ले जाता है, उसको रोकने की प्रयास करें। उसको रोकने का प्रयास एक ही मात्र है कि आप ईश्वर का स्मरण करें। कोई भी मंत्र आप ले लें, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, वो मंत्र का जाप करें। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन में आपको उसका फायदा दिखाई देने लग जाएगा। एकदम से फायदा नहीं होगा, शुरू में परेशानी जरूर होगी, 1-2 दिन। अगर आप अभी इसी वक्त से शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तीसरी बात है कि उन भविष्य की या उन बीती हुई बातों को, भविष्य और बीती हुई दोनों बातें जो अनिश्चित थे, जो अनिश्चित थी और अनिश्चित है, जिस पर हमारा जोर नहीं है, उनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, इसके बीच आप अपना जीवन जिए, वर्तमान में जिए और सरलता में जिए, यही मूल मंत्र है। अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।